स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले बात की जाती है लाइट की, तो ऑप्टिक्स में हम दो पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सभी को पता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम कुछ फिनोमेना पढ़ेंगे जिनमें है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब हम वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं। मतलब वेव नेचर को इसमें डिस्कस करते हैं और रे नेचर को इसमें डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो रिफ्लेक्शन आप सभी समझते हैं कि किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस से लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली रिफ्लेक्टर से या मिरर से। मिरर दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं और स्फेरिकल मिरर भी होते हैं। अच्छा, मिरर में कुछ बातें, कुछ टर्म जो आपको समझनी है कि देखो ऐसे हम मिरर बनाते हैं, इस मिरर में जो साइड में ऐसे करते हैं इसको बोलते हैं सिल्वरिंग या सिल्वर्ड सरफेस, या फिर इसको बोलते हैं अनपॉलिश्ड सरफेस। और जो इधर वाली सरफेस होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। अब इंसिडेंट रे क्या होती है, तो लाइट जो इंसिडेंट करती है मिरर पे उसको इंसिडेंट लाइट कहते हैं, और जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट चले जाती है वापस उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे फर्स्ट लॉ होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ होता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई क्या है, ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो कोई भी मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे कर्व मिरर हो, दोनों ही केसेस में एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। अच्छा, नॉर्मल क्या है, तो प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर, प्लेन मिरर पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आ रही है उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन, मिरर के परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल कहलाता है। और सेकेंड लॉ होता है इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाए करते हैं, ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। अब है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन को जैसे कि नाम से ही समझा जा सकता है कि जितना एंगल डेविएट हुई लाइट, अगर कोई लाइट किसी इंस्ट्रूमेंट पर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर इंसिडेंट कर रही है और कुछ भी हो उसके साथ, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, तो जो भी हो, जो भी फिनोमिना हो लाइट का, जितना डेविएट कर जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन इज एंगल थ्रू विच इंसिडेंट लाइट गेट टर्न थ्रू ड्यू टू रिफ्लेक्शन। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा सकते हैं कि एक लाइट इंसिडेंट कर रही है, इसका इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है, लाइट का पाथ होना चाहिए था एकदम सीधा, लेकिन मिरर के आने की वजह से इसका पाथ डेविएट हो गया, लाइट इस तरह से चली गई। तो जितना डेविएट हुआ उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन को दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि एंगल हमेशा मेजर कहां से करना है, ओरिजिनल पाथ की डायरेक्शन से, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी मेजर करो। तो दो तरह से डेविएशन हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मेजर कहां से करना है, ओरिजिनल पाथ रे से, रे का जो ओरिजिनल पाथ होता है वहीं से ही एंगल ऑफ डेविएशन मेजर होगा। चलो, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो ड्रॉ करते हैं लाइन, रे आई रिफ्लेक्ट होके चली गई, ओरिजिनल पाथ इसका ऐसे था, तो ये वाला जो एंगल होगा बेसिकली एंगल कितना होगा, अच्छा ये इंसिडेंट एंगल है 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 45, तो ये टोटल हो गया 90, तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना हो गया 90, क्योंकि ओवरऑल कितना है 180। तो ये जो डेविएशन आया इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन आया। तो क्लॉकवाइज डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट वाला, यानी कि 360 माइनस 90, ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा ऑफ लाइट रे इंसिडेंट एंड एंगल थीटा विद द नॉर्मल। तो ये अननोन में करना है, बहुत आसान है, एंगल थीटा बनाते हुए इंसिडेंट लाइट ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली गई, ये एंगल भी थीटा, तो आंसर कितना आया पाई माइनस टू थीटा। ये वाला क्वेश्चन करूं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो
इंसिडेंट एंगल होगा वो होगा 70 डिग्री, ये 70 डिग्री तो आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, जल्दी से इसमें बता दो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें एंगल फाइंड करने हैं, ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, तो ये वाला 60 होगा, ये 60 है तो लाइट ऐसे निकल जाएगी, ये रे ऐसे जा रही है, तो जो डेविएशन हुआ वो कितना हुआ, ये वाला तो 180 माइनस 120, क्योंकि ये भी 60 होगा, तो 60 डिग्री डेविएशन आया एंटी क्लॉकवाइज। कि अगर प्लेन मिरर को डिस्टर्ब ना करें, मान लो एक लाइट आ रही है किसी एंगल थीटा पर और वापस जा रही है, मान लो रिफ्लेक्ट हो रही है एंगल थीटा पर, इसको थीटा की जगह हम फाई लिख लेते हैं, कुछ एंगल नाम दे देते हैं 30 डिग्री। अब प्लेन मिरर को डिस्टर्ब ना करते हुए हमने इंसिडेंट रे को थीटा क्लॉकवाइज घुमाया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी थीटा ही डिस्टर्ब हो जाएगी, थीटा ही रोटेट हो जाएगी, पर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। तो यही सब इसमें बताया कि अगर थीटा को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा क्लॉकवाइज घूम जाती है, ये बात हमें याद होनी चाहिए। और एक दूसरी बात ये कि अगर इंसिडेंट रे को डिस्टर्ब ना करें और अगर मिरर को घुमा दें, अगर इंसिडेंट रे को डिस्टर्ब ना करते हुए मिरर को थीटा घुमा दें तो रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में 2θ घूम जाती है, ये याद रखना है। अब आते हैं मेन ट्रेसिंग ऑफ द इमेज, इमेज को ट्रेस कैसे करते हैं प्लेन मिरर पर। तो किसी भी इमेज को ट्रेस करने के लिए वहां पे दो लाइट आके मिलना जरूरी है। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वहां से स्टार्ट करें मिनिमम 2 light rays, फिर उसको इंसिडेंट कराएं अपने मिरर पर, वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएं। अब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी, जहां भी मिलेंगी, वहां पे इमेज बन जाएंगी। इमेज फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन मिरर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इस प्लेन मिरर से इमेज बनाना है, तो यहाँ से कोई भी दो रे, मान लो एक रे ये इंसिडेंट कराई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऐसे चली जाएगी, ये रे ऐसे चली जाएगी, इसको हम बैक ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें इमेज मिल जाएगी। इमेज की क्या खासियत है कि ऑब्जेक्ट और इमेज प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज सेम लाइन पे होते हैं, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से होती है उतनी ही डिस्टेंस प्लेन मिरर की इमेज से होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आगे चलें क्या? यहाँ पे जो इमेज बनी वो कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ओरिजिनल में आके नहीं मिली है, हमें जबरदस्ती मिलानी पड़ी है। इसलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इमेज क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल सिस्टम। तो लाइट रेज का सोर्स ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट तो वो ऑब्जेक्ट होते हैं जहां से असली में लाइट रेज स्टार्ट होती है, जहां से असली में लाइट रेज स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं जहां पे असली में रेज स्टार्ट नहीं होती है, कहीं से आती है, मान लो इन्फिनिटी से लाइट ऐसे यहाँ आ रही है और किसी पॉइंट पर वर्चुअली मिल रही है, वर्चुअली का मतलब हमें जबरदस्ती मिलानी पड़ रही है, वो किसी पॉइंट से आ नहीं रही है, हमें जबरदस्ती कहीं मिलानी पड़ रही है, तो उसको उस केस में बनता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गए, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट में तो लाइट असली में किसी ऑब्जेक्ट से चलेंगी, जैसे कोई मोमबत्ती है या कोई माचिस है या कोई टॉर्च है, कोई भी सोर्स हो वहां से लाइट रेज चली तो रियल ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज। और वर्चुअल कौन सा हुआ, जहाँ जैसे इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो किसी पॉइंट पर हमें मिलती हुई लगेंगी, अपीयर होंगी, तो उसको कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस तरह से इमेज भी होती है। इमेज क्या होता है, अ पॉइंट वेयर रेज कन्वर्जिंग आफ्टर इंट्रैक्शन विद ऑप्टिकल एलिमेंट, मतलब ऑप्टिकल एलिमेंट से इंट्रैक्शन के बाद, अब चाहे वो रिफ्लेक्शन हो रिफ्रैक्शन हो, तो जिस पॉइंट पर वो मिलेंगी उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। इमेज भी दो तरह की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज होती है जहां पे ये रेज आके असलियत में मिलती हैं, ओरिजिनल में ये रेज आके मिलती हैं,
उसको तो कहते हैं रियल इमेज. तो रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रेज एक्चुअली मीट आफ्टर द इंटरेक्शन विद द ऑप्टिकल एलिमेंट. और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि हमें बैक ट्रेस कराना पड़ता है, वर्चुअली वो मिलती हैं. अब दो बातें, कुछ बातें याद रख लो कि रियल इमेज को स्क्रीन पे हम ले सकते हैं, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज उसको हम केवल देख सकते हैं, उसको किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, उसको छू भी नहीं सकते हैं. लेकिन रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे कुछ बातें जिससे आप तुरंत पहचान पाओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट रियल है, कौन सा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है. तो इंसिडेंट रे की बात करें, अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है मतलब दूर जा रही है, ऐसे किसी पॉइंट से स्टार्ट होकर दूर जा रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग. तो इस केस में ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल होगा. और अगर रेज इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है, इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है, इसका मतलब वो किसी पॉइंट पे आगे जाके मिलेंगी, तो उस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा. अगर रिफ्लेक्टेड रेज की बात करें, तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग है, रिफ्लेक्टेड रेज अगर कन्वर्जिंग है, तो उस केस में रियल इमेज बनेगी कि भाई वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो किसी पॉइंट पर असलियत में जाके मिल रही है, तो रियल इमेज. और अगर आफ्टर द रिफ्लेक्शन रेज डाइवर्जिंग है तो इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज बनाएगा. चलें, ये प्रॉब्लम्स मैं आपको सेंड कर दूंगा. तो नंबर ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर, तो ये भी अच्छा टॉपिक है. इसमें हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट से कितनी इमेजेस बनती हैं. हम सीधे से फॉर्मूले पे आते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, हमें फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करनी है और याद रखना है. अगर आना होगा क्वेश्चन तो इन फॉर्मूले से हो जाएगा, दैट्स इट. ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है. ठीक, तो एंगल बिटवीन द मिरर, तो यहाँ जो थीटा है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बिटवीन द मिरर. मिरर के बीच में जो एंगल होगा वो यहाँ पे थीटा से दिया गया है. अब 360 को थीटा से डिवाइड करते हैं. अगर इवन नंबर आता है, इवन का मतलब होता है सम, अगर इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगी? नंबर ऑफ इमेज होंगी कि जो भी नंबर आया यहाँ पे डिवाइड करके -1, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस दो, उस केस में यही आंसर होगा नंबर ऑफ इमेजेस का. अभी देख लेंगे एग्जाम्पल में, है ना. और अगर ऑड आता है, ऑड का मतलब होता है बेसम संख्या, तो उस केस में दो केस बनते हैं. अगर ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन एंगल बायसेक्टर, तो उस केस में आंसर आता है 360 अपॉन थीटा -1. और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बायसेक्टर पर प्लेस नहीं है, तो उस केस में जो ये 360 अपॉन थीटा होगा वही आंसर होगा. और एक लास्ट केस कि मान लो ना ऑड आया ना इवन आया, तो जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ होगा 360 अपॉन थीटा का वही आंसर होगा, फिर उसमें प्लेसमेंट कहीं भी हो. अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे उनपे, है ना. पहला ये, इस केस में 90 डिग्री पे रखे हैं, दोनों मिरर 90 डिग्री पे रखे हैं, तो हमने डिवाइड किया 360 डिवाइडेड बाय 90, तो कितना आया 4. तो हमारा आंसर होना चाहिए 4 -1, क्योंकि ये कैसा नंबर आया? इवन नंबर आया. इवन नंबर में हमेशा नंबर ऑफ इमेज कितनी होती है? 4 -1. और यहाँ आपको दोनों तरीके के डायग्राम से भी बताया गया है, एक तो नॉर्मल डायग्राम हम जो बनाते हैं और एक एनिमेशन जैसा, कि तीन इमेज दिख रही है. देखो ऑब्जेक्ट रखा है एक सिलेंडर, उसकी तीन इमेज यहाँ पे हमको दिख रही हैं, तो एक इस मिरर में, एक इस मिरर में और एक बीचों बीच में. ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? केस टू, इस केस में 90 डिग्री पे ही रखे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रखा है वो एंगल बायसेक्टर पर नहीं रखा है. एंगल बायसेक्टर का मतलब होता है कि देखो 90 डिग्री पे है तो 45 पे रखा होना चाहिए था ऑब्जेक्ट, पर नहीं रखा है. तो अब नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? तो डिवाइड करते हैं 360 डिवाइड बाय 90 बराबर 4. तो इवन में हमारे पास एक ही केस होता है, हमेशा आंसर कितना आता है? 4 -1 यानी कि 3. तो इवन नंबर के केस में हमारा आंसर हमेशा इवन नंबर -1 होगा. ठीक है, इसमें बताओ मिरर एट 120 डिग्री, तो क्या करना है हमें? तो सिर्फ 360 डिवाइडेड बाय 120, तो कितना आया ये?
ये आया 3। अब इस केस में दो केस बन सकते हैं, ये कैसा नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। तो अब क्या ये सिमेट्रिकली है, एंगल बाइसेक्टर पे है? हाँ ये एंगल बाइसेक्टर पे है। तो आंसर कितना हो गया, 3-1 = 2, 3-1 = 2। देखते हैं ये वाला, तो टोटल इमेज कितनी बनी, 2 इमेज इसमें बनेंगी, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। अगला केस 120 डिग्री, वही केस है 120 डिग्री वाला, पर इस बार एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है। तो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो इस बार आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इस बार बाइसेक्टर पे नहीं है तो -1 नहीं करेंगे, और आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, चलो 60 डिग्री, अभी कर लोगे ना, ऐसे करना है हमें, 60 डिग्री पे है तो 5 बन गई। अच्छा एक ये बात ध्यान रखो कि जितनी भी इमेज बनती हैं, जितनी भी इमेज हमने अभी देखी, जितनी भी इमेज बन रही हैं दो मिरर से, वो हमेशा एक सर्कल पर लाया करती हैं, चाहे दो बने इमेज, चाहे 3 इमेज बने, चाहे 4 इमेज बने, कितनी भी इमेज बने, वो इमेज हमेशा एक सर्कल पर लाया करती हैं, और उस सर्कल की रेडियस, उस सर्कल की रेडियस ये होती है, कौन सी, इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों मिरर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का सर्कल का रेडियस होता है। चलो अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर। तो देखो यहाँ पे दो तरह से हम वेलोसिटीज पढ़ेंगे, पहला केस तो हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो मिरर के परपेंडिकुलर जाएगा, इसको बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की डायरेक्शन में, कि नॉर्मल हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहाँ देखें कि ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर मिरर की तरफ जा रहा है, हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, जनरली इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है तो इमेज ऑब्वियसली उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो दोनों की वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर होती हैं, दोनों की वेलोसिटीज का परिमाण तो बराबर होता है, लेकिन उनकी दिशा अपोजिट होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत आए आप कमेंट में लिख दो कि सर इस वाले में दिक्कत है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या समझे कि परपेंडिकुलर टू मिरर में मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, परिमाण तो सेम होगा, लेकिन उनकी दिशा अलग अलग होगी। ठीक है, चलिए बताइए, चलो ये वाला केस बताओ, इसमें मिरर जो है वो रेस्ट पर है, मिरर नहीं चल रहा है, अभी मिरर को भी चलाएंगे लेकिन अभी मिरर नहीं चल रहा है। इस केस में जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो किधर होगी और कितनी होगी, तो ऑब्वियस केस हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट चल रहा है मिरर की तरफ, तो जो इमेज होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम कब होगा, जब मिरर रेस्ट पे है, जब दर्पण रुका हुआ है, तभी मैग्नीट्यूड सेम होगा। जो हमने यहाँ पे लिखा था ना कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, इस मैग्नीट्यूड सेम में आप एक कंडीशन लिख लो कि मिरर शुड बी इन रेस्ट, मिरर रेस्ट पे होना चाहिए, तभी मैग्नीट्यूड बराबर होता है। किसमें, परपेंडिकुलर वाले केस में, परपेंडिकुलर वाले केस की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर वाले केस में डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है अगर मिरर रुका हुआ है तो। चलिए इस केस में मिरर रुका हुआ है तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। माइनस टू लगाया क्योंकि इस डायरेक्शन को हम जनरली पॉजिटिव मानते हैं, तो ये हो गई -2, आंसर हो गया बी, कोई दिक्कत। चलिए तो अब बात करते हैं कि अगर मिरर चल रहा हो तो क्या होगा। तो पहले समझना होगा हमें कि हमने जो वेलोसिटीज डिफाइन की है उस केस में मिरर रेस्ट पे था, अब मिरर चले तो क्या, तो कोई बात नहीं, हम रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट यूज करेंगे कि मिरर के रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में का मतलब होता है मिरर को अगर रोक दो दर्पण के सापेक्ष, इसका मतलब होता है कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि मिरर अगर रेस्ट पे है, मिरर रुका हुआ है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो अगर मिरर चल रहा है तो क्या करें, तो मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज देखो वो सेम आनी चाहिए। तो हमने यहाँ जो वेलोसिटीज निकाली, IM का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, मतलब प्रतिबिंब का वेग
दर्पण के सापेक्ष, और यहाँ पे वस्तु का वेग दर्पण के सापेक्ष, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इनकी वेलोसिटीज बराबर होंगी मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होंगी, वही सेम रूल लगेगा जो भी पढ़ा था हमने, बस वो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, मिरर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ, यदि ऑब्जेक्ट तो इस बार इन्होंने किस पे कर दिया, रेस्ट पे, और किसको चला दिया, मिरर को चला दिया। तुम्हारा फॉर्मूला था -2, मेरे को लग रहा है गलत है शायद, देखते हैं। हमारा फॉर्मूला आया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो हमें क्या करना है, हमें चुपचाप रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर, एक माइनस का साइन जो है फॉर्मूले में ऑलरेडी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब वस्तु की गति धरती के सापेक्ष माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे जो जीरो है उसको जीरो पुट कर दें, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो जीरो। अच्छा पहले फॉर्मूला बना लेते हैं छोटा सा, उसको आगे सीधा यूज कर दिया करेंगे हम। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर हो गया माइनस ऑफ वीओ प्लस टू वीएम, ये आ गया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम आगे यूज कर दिया करेंगे। ठीक है, तो डालते हैं यहाँ पे वी आई बराबर वीओ कितना है जीरो, तो डाल दिया जीरो प्लस टू वेलोसिटी ऑफ मिरर यानी दर्पण का गति की तरह अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या देखेंगे माइनस टू। तो आंसर आया हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस फोर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर की डायरेक्शन में, पॉजिटिव इसको मान लिया ना तो नेगेटिव इसको। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। फॉर्मूला क्या आया, वी आई बराबर माइनस वीओ प्लस टू वी एम। अब इसको हम अप्लाई करेंगे आगे के सवालों में, ये वाले क्वेश्चन में, इसका बताइए आंसर क्या होगा, इसमें मिरर भी चल रहा है ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला में फिर से लिख देता हूँ, वी आई बराबर माइनस ऑफ वी ओ प्लस टू वी एम, बताइए आंसर क्या होगा। फॉर्मूला पुट करना है, ये आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव, पीछे की डायरेक्शन को हम जनरल नेगेटिव लेते हैं, वही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो एक माइनस फॉर्मूले का, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू क्योंकि पॉजिटिव में इसे प्लस में रखा, प्लस टू वेलोसिटी ऑफ मिरर पॉजिटिव में है, कितनी है वन तो रख दिया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आई जीरो, इमेज चलेगी ही नहीं। कितना सही है, बढ़िया है ना, इमेज चलेगी ही नहीं। ठीक है, नहीं चलेगी तो अच्छी बात है, हमारा आंसर आ गया जीरो। अब दूसरी वाली वेलोसिटी, अभी हम कौन सी वेलोसिटी डिस्कस कर रहे थे, परपेंडिकुलर वाली, मिरर के परपेंडिकुलर। अब हम बात करेंगे मिरर के पैरेलल वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चल रहा है। अब पैरेलल दो डायरेक्शन में हो सकता है, अभी आपके सामने जो दिखाई है वाई में, और एक और हो सकती है जेड एक्सिस, मान लो वो स्क्रीन से बाहर निकल रहा है या स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो उन दोनों केसेस में उसको पैरेलल कहेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज की डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, मतलब इस केस में मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और डायरेक्शन भी बराबर होगी। और इस केस में ये भी ध्यान रखना है कि चाहे मिरर चल रहा हो या रुका हुआ हो, देखो लिखा था है मिरर चाहे स्टेशनरी हो, रुका हुआ हो और मूविंग हो, ये रिजल्ट ऑलवेज वैलिड है। पैरेलल वाले केस में मिरर की वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, ना मिरर रुका हुआ है उस केस में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अगर मिरर चलेगा तो उस केस में रिलेटिव देख लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। रिलेटिव से इसको थोड़ा ओपन करेंगे तो लिखेंगे वी आई माइनस वी एम बराबर वी ओ माइनस वी एम, तो इस केस में वी एम से वी एम कट जाएंगे और वापस आ जाएगा वी आई बराबर वी ओ। मिरर का कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है पैरेलल वाले केस में। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, कितना दो कि माइनस दो, कितना वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी, माइनस दो होगी क्या, बताओ। मिरर ऊपर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, किधर जाएगा जल्दी से, तो आंसर कितना आएगा जीरो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो इमेज भी नहीं चलेगी, मिरर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके।